अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आलू की सब्ज़ी। पहले हम कुकर में 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे, फिर इसमें 1 चम्मच हींग डालेंगे, फिर 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। और ज़ीरा डालने के बाद अच्छे से इसको हम भून लेंगे। फिर इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, धनिया, मिर्च, हल्दी, चाट मसाला और भुने हुए जीरे का पाउडर, ये सब 1-1 चम्मच है। सबको हम मिला तेल में डालेंगे और अच्छे से इनको भुनेंगे हल्की आंच पे, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। तेज़ आंच होगी तो मसाले जल जाते हैं, इसलिए सेम आंच करके मसाले भुनेंगे। फिर इसमें हमने टमाटर की प्यूरी डालेंगे, जिसमें हमने 3 से 4 लौंग और 2 हरी मिर्चें पीस के साथ पे रखी थी। इसमें क्या लौंग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने टमाटर के साथ ही लौंग पीस ली थी टमाटर की प्यूरी में। और फिर इसको डाल के अच्छे से भुनेंगे। देखिए अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें जो है 2 चम्मच बेसन डालेंगे, भुना हुआ बेसन। तब तक इसकी कचान निकलती है, अच्छे से हम इसको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा। ये देखिए हमारा भून गया है अच्छे से। ये इसको हम इस तरह से, तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे और आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। हमने आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, मैंने 1/2 चम्मच के आसपास डाला है। फिर इसमें 1/2 बाउल वाटर डालेंगे। अब इसमें अच्छे से मिला के विसल लगाएंगे। 2 से 3 विसल में आलू अच्छे से गल जाएंगे और हम इसको इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए मेरे रेडी हो गई सब्ज़ी बन गई, बहुत अच्छी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। आप लोचे के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने लोचे के साथ सर्व करी है। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।